भारत के लिए गर्व का पल। हिंदी को पहली बार मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज। ये पुरस्कार लेखिका गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद टॉम ऑफ सेंट को मिला है। इसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है। डेजी रॉकवेल और गीतांजलि श्री को लगातार इस सम्मान के लिए बधाई मिल रही है। हिंदी की ये पहली किताब है जिसने वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल किया है। बुकर प्राइज की तरफ से ट्वीट करके इस बारे में जानकारी भी दी गई और ट्वीट करके गीतांजलि श्री और श्री डेजी को इस पुरस्कार को हासिल करने के लिए बधाई दी गई। इस बड़ी उपलब्धि पर लेखिका गीतांजलि श्री, अनुवादक डेजी रॉकवेल और इसको हिंदी में प्रकाशित करने वाले राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक महेश्वरी ने खुशी भी जाहिर की। रेत समाधि को बुकर दिए जाने की घोषणा लंदन में की गई और इस दौरान गीतांजलि श्री, डेजी रॉकवेल और अशोक महेश्वरी लंदन में ही मौजूद थे। बुकर पुरस्कार मिलने के बाद लेखिका गीतांजलि श्री ने लंदन में कहा कि मेरे लिए ये बिल्कुल अप्रत्याशित है, लेकिन अच्छा है। मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये पुरस्कार हासिल कर सकती हूँ। बता दें कि ये 50,000 पाउंड के पुरस्कार के लिए चुनी जाने वाली पहली हिंदी भाषा की किताब है। जूरी के सदस्यों ने इसे शानदार और अकाट्य बताया। ये उपन्यास भारत के विभाजन की छाया में स्थापित एक कहानी है जो अपने पति की मौत के बाद एक बुजुर्ग महिला की कहानी को दर्शाता है। साथ ही आपको बता दें कि गीतांजलि श्री ने कई छोटी कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। इससे पहले 2001 में उनका उपन्यास क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड के लिए चुना गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।